नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बांधकाम व्यवसाय से रंगदारी की मांग कर प्राणघातक हमला करने वाले मकोका के आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नायगांव पुलिस स्टेशन की हद में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 21 जून 2023 को बड़ी अपराध की घटना घटित हुई थी, जहां एक बांधकाम व्यवसायी जितेंद्र रमाकांत यादव के बिंद शक्ति रियल एस्टेट कंपनी के कार्यालय में 9 आरोपियों ने घुसकर जितेंद्र यादव और उनके कर्मचारियों पर 2 करोड़ की खंडनी, सामान्य भाषा में कहे तो रंगदारी की मांग करते हुए तलवार, लाठी और डंडों आदि से हमला कर दिया था। इस हमले में बांधकाम व्यवसायी और उनके एक कर्मचारी घायल हो गए थे। वहीं आरोपियों ने वहां पार्क की हुई 2 लग्जरी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ कर दी थी। बाद में बांधकाम व्यवसायी द्वारा पुलिस में शिकायत किए जाने पर पुलिस की जांच में इस वारदात का मास्टरमाइंड विरार निवासी 38 वर्षीय गिरीश नायर के होने की बात सामने आई। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के दौरान पहले 4 आरोपी की धरपकड़ की और 5 आरोपी अभी तक फरार चल रहे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी गिरीश नायर की पूरी जानकारी जुटाई तो पाया कि आरोपी गिरीश नायर एक आदतन अपराधी है, जिसपे पिछले 10 सालों के दौरान 12 बड़े और जघन्य अपराध को अंजाम दिए जाने के आरोप लग चुके हैं और सन 2015 में इस आरोपी के खिलाफ मकोका के तहत कार्यवाही की गई थी, जिसमें आरोपी 5 साल से अधिक समय जेल में बिताकर 2021 में जेल से छूटकर बाहर आया हुआ है। 2021 के बाद से अब तक फिर इस आरोपी ने अपराध 3 बड़े अपराध अंजाम दिए हैं। आरोपी के रिकॉर्ड को देखते हुए अभी एक बार फिर इस आरोपी व इसके साथियों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो मकोका कायदा महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत होने वाले बड़े और संगठित अपराध को रोकने हेतु बनाया गया एक सशक्त कायदा है और इस आरोपी के ऊपर 2015 में भी मकोका लग चुका है। यह दूसरी बार है जब इस आरोपी पर मकोका लगाया गया है। बीते 2 महीनों से फरार चल रहे इस बड़े आरोपी को आखिरकार नायगांव पुलिस एवं क्राइम ब्रांच वसई ने संयुक्त कार्यवाही कर 19 अगस्त को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में हाजिर किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 25 अगस्त तक के लिए 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। ज्ञात हो इस मामले में एक तरफ जहां पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर अच्छा काम अंजाम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग के आपसी 2 विभागों में समन्वय की कमी या श्रेय लेने की होड़ भी देखी गई। दरअसल 19 अगस्त को आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद वसई क्राइम ब्रांच ने जल्दबाजी में प्रेस नोट जारी करते हुए इस गिरफ्तारी हेतु खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश की, तो वहीं आज वसई एसीपी मैडम, जो कि इस मामले की जांच अधिकारी भी है, उन्होंने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को साझा की। ही मामले पर 2 बार प्रेस नोट ने एक बार की पत्रकारों तक को कंफ्यूज कर दिया था। इस मामले में अभी भी 4 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वीडियो में आगे सुनिए वसई एसीपी पद्मजा चौहान मैडम को। सर, मैडम, ये मौका का जो आरोपी है, इसे आप लोगों ने पकड़ा है, क्या कुछ मामला है, क्या जानकारी है? मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नायगांव पुलिस स्टेशन में 155/2023 एक FIR नोंद हुई है, जिसमें IPC कलम 307, 386, 143, 147, 324 ऐसे कलम लगाए गए हैं। इसमें गिरीश नायर जो आरोपी है, ये मुख्य आरोपी है। इसने क्या किया है कि जितेंद्र यादव का जो फिरियादी है, उनका मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे ऑफिस है, जो रियल इस्टेट का काम करते हैं, उनके पास ये 20 जून को गया और 20 जून 2023 में जाके इनको ये कहा कि आपका ज़मीन का लिटिगेशन दूर करने के लिए और शेठ ने मुझे बोला है और 1 कोका हमें देना पड़ेगा, 1 कोका यानी 1 कोटी। ऐसे उसने धमकी दे दी कि हमें 1 कोटी चाहिए और नहीं दे तो आपको मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक NCR के नोंद कर दी कि बाबा ये ऐसे ही बताया होगा। फिर 21 तारीख को गिरीश नायर और जो सराइद गुनेगार है, गिरीश नायर और उसकी जो टीम है, वो पूरी तरह से तैयारी करके 4-5 2-व्हीलर लेके, हाथ में तलवार और लोखंडी रॉड और जो दंड का रहता है वो सब लेके उधर गई। पहले उन्होंने गिरीश नायर उसके साथी ने, जो जितेंद्र यादव है, बिंद शक्ति रियल इस्टेट के जो मालिक है, जिनका ऑफिस उधर है, तो उनके ऊपर वार किया। उन्होंने थोड़ा बाजू हो गए तो अंकुश भोड़ करके उनके ऑफिस में जो काम करने वाला था, उनके सर में वो तलवार लग गई और उसके बाद उनके जो जितेंद्र यादव के पैर पे उसने तलवार मारी। फिर बाद में सब लोग इकट्ठा होने के बाद उन्होंने उधर जो 2 गाड़ियाँ थी, एक ब्रिजा करके थी और एक सियाज करती थी, वो दोनों गाड़ियाँ उन्होंने तलवार से और रॉड से फोड़ दी और उधर से चले गए, तो उसके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ है।
फिर गिरीश नायर की जब हमें पता चला कि गिरीश नायर के ऊपर ऑलरेडी एक मौका लग चुका है और पिछले 10 साल में उसके ऊपर 12 से ज़्यादा गुने दाखिल है, जो भी शरीर और मालमत्ता के गुने हैं, विरुद्ध गुने, वही गुने उसके ऊपर दाखिल है, तो माननीय पुलिस उपायुक्त तो परिमंडल दोन वसई माननीय श्री पूर्णिमा चौगले मैडम ने यह आदेश दिया कि गिरीश नायर के जो गुने हैं वो गुनों की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो हमने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे शहर, नवी मुंबई में जाकर पूरा गुने उनके ऊपर जो दाखिल है, तो हमें पता चला कि 12 से ऊपर गुने उन पे दाखिल है, जो उन पे चार्जशीट गई है। तो हमने ये सब निकाला उनके गैंग के ऊपर, प्रथमेश दलवी है, रुपेश शिंदे है, डी उर्फ जनक है और नीलेश कांबळे है, इनके ऊपर भी सेम बहुत सारे गुने दाखिल है। तो हमने सब मिला के इकट्ठा करके वपोनी भामे है जो नायगांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है, उनके अंडर में सपोनी पालकर और डीबी के टीम के देवरे और सांगवीकर थे, उन्होंने मिलकर ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और मकोका का प्रस्ताव तैयार किया गया और एडिशनल सीपी को भेज दिया गया। एडिशनल सीपी सर ने वो पूरा छानबीन करके उसको प्रपोजल को मान्यता दी और उसका जो इन्वेस्टिगेशन है जो मुझे सौंपा गया एसीपी वसई को। मैंने जब ये 12 तारीख को प्रपोजल मेरे पास आया 12 अगस्त को, तो दो ही दिन में मुझे एक टिप मिली कि गिरीश नायर जो पिछले 2.5 महीने से फरार है वो गोरेगांव आने वाला है। तो हमने वपोनी भामे के मार्गदर्शन में सपोनी पालकर और जो डीबी की टीम है देवरे के का और गुने शाखा 3 के बड़ाक साहब है, उनके पूरा टीम ने वहाँ पर एक जाल बिछाया और गोरेगांव से गिरीश नायर को पकड़ा गया। गिरीश नायर को पकड़ के उनको कोर्ट में पेश किया गया है और उनको 25 तारीख की जामीन यानी पुलिस कस्टडी मंजूर हो गई है। इसमें ये जो कार्रवाई हुई है उसमें मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त सर मधुकर पांडे सर, एडिशनल सीपी सर श्रीकांत पाठक सर और डीसीपी परिमंडल दो की मैडम पूर्णिमा चौगले मैडम, इन्होंने हमें बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। गिरीश नायर कौन से भाई का जिक्र कर रहा था फोन कॉल में पैसा मांगने? अभी हमारे पास उसकी पुलिस का स्टडी कल ही मिली है, तो हम अपने जारो इंट्रोगेशन में अभी हम वही पता कर रहे हैं कि जो वो शेठ का आदमी हूँ तो कौन सा शेठ है ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या मुंबई में पहले से कहीं कोई पुलिस स्टेशन से या कोई इलाके से वांटेड है? नहीं नहीं, वांटेड तो नहीं है। अच्छा, विरार में कब से रह रहा था मैडम, और इस तरीके का और भी कुछ ऑफेंस है? विरार से तो बहुत सालों से रह रहा है। अभी वो सब इंट्रोगेशन में पता चलेगा। तो जो उनके साथ टोली है, जो टीम है, वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, ये जो ये सब विरार में ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी सब वांटेड है। तो क्या इनका बड़ा कोई ग्रुप है, जैसे एंटायर मुंबई महाराष्ट्र ये लोग आतंक फैलाते हैं? अभी जब वो इंट्रोगेशन में ही पता चलेगा, अभी तक उतने ज्यादा कुछ बताया नहीं है। मैडम आपने जो कहा 12 जगह इतने के पास गुने दाखिल है, क्या 12 जगह को जो इसने कांड किया सब जगह अलग अलग करते कि यही लोग रहते साथ में? नहीं, अलग अलग, उसकी टीम के जो मेंबर है अलग अलग है, एक ही नहीं है। नायर तो 38 साल का है, 12वीं पास है, लेकिन शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, बाकी प्रथमेश दलवी मालूम नहीं, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता हमें कुछ पता नहीं चला। इस प्रकार की कितना घटना को अंजाम दिया? अभी तक वो गिरीश नायर तो 12 गुने में है, एक मौका भी विरार में है, एक मौका उस पर लगा है, उसमें वो 4.5 साल अंदर रहा है, अभी नवंबर 21 को बाहर आया है, उसके बाद ये तीसरा गुना किया है उसने। कुल आरोपी संख्या कितने और अब तक कितना आरोपी गिरफ्तार? पूरा 9 आरोपी है, उसमें से 5 गिरफ्तार है, अभी 4 बाकी है। ये गिरोह खासतौर पे जेल से बनाया है क्या, अलग अलग जगह पे बनाया जाके सब उसकी टोली से करीब हो सके, ऐसा कुछ है क्या? ये लोग ये जो ऑर्गेनाइज हुए ये लोग कहाँ से हुए, जेल से या बाहर से? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, बाहर से ही हुए, अलग अलग जगह पे अलग अलग इनके ग्रुप्स हैं क्या? नहीं नहीं, ये सब नालासोपारा और विरार के रहने वाले। अभी के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अपने चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।